बांग्लादेश की क्रिकेट टीम जब दोस्तों यूएस के अगेंस्ट वो T20 इंटरनेशनल सीरीज हारी, बड़ी लामतान हुई भाई साहब। डिसोन कर दिया बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस ने कि भाड़ में जाओ, हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक शाल्लुक नहीं है। और उसके बाद सोचा ये जा रहा था कि बांग्लादेश की टीम नहीं उठ पाएगी, वर्ल्ड T20 में तो इनका कचूमर निकलेगा, मतलब वो कचूकुमा सैलड नहीं होता, वो चॉपिंग वाला वो बनेगा। लेकिन बांग्लादेश ने कहा नहीं भैया, कुछ तो करेंगे अलग से। अब उनकी किस्मत चेक करो, वो श्रीलंका के अगेंस्ट उनका मैच था, वो आज श्रीलंका के अगेंस्ट जीत गए हैं। बांग्लादेश ने श्रीलंका को हरा दिया 2 विकेट से, और देर इज एब्सोल्युटली नो डाउट मैच बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। डेलस में मैच था, ऑब्वियसली लो स्कोरिंग मैच आपको पता ही है, और उस मैच में सम हाउ दी अदर बांग्लादेश ने अपने नर्व्स के ऊपर काबू रखा। मैच जिसे कहते हैं एंड तक ही गया, 19वें ओवर में जीता है बांग्लादेश। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो श्रीलंका के साथ जो उनकी राइवलरी चल रही है, स्पेशली ये 2023 के वर्ल्ड कप के बाद एंजेलो मैथ्यूज़ वाले वाक्य के बाद, तो उस अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट किस्म की विक्ट्री है। बांग्लादेश अभी यूएस से तो हारा T20 सीरीज, उससे पहले श्रीलंका से ही हारा था T20 सीरीज, 2-1 से वो हारे थे। ODI सीरीज जीत गए थे, टेस्ट सीरीज फिर हार गए, तो श्रीलंका ने बांग्लादेश को टेक्निकली कहें तो कूटा था अपने घर में मतलब उनके घर में जाकर। लेकिन आज उन्होंने डेलस में ना अपना एक बदला जिसे कहते हैं वो पूरा किया। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए डेलस में जनाब 124 किए, उनके 9 खिलाड़ी आउट हुए, और बांग्लादेश ने 19वें ओवर में 125 बनाकर 8 विकेटों के नुकसान के ऊपर ये मैच जीत लिया। महमूदुल्ला भाई साहब, वो कहते हैं ना हाउ मैनी टाइम्स, महमूदुल्ला इनको नीचे आकर सम हाउ दी अदर ना बचा ही जाता है। पहले बैटिंग कर रहे हों, चेज कर रहे हों, महमूदुल्ला जो है ना उसकी क्या ही बात है। अच्छा, श्रीलंका की बैटिंग का ज़रा मोटा मोटा देखते हैं सर। निसांका 47 किए 28 बॉल्स के ऊपर, 7 चौके 1 छक्का, 167 का स्ट्राइक रेट, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। मेंडिस कोई नहीं चला, 10 रन किए, हालांकि इसके ऊपर बड़ी डिपेंडेंट है श्रीलंका की टीम, लेकिन कोई नहीं, ये नहीं चला। फिर उसके बाद कमिंडो मेंडस वो सिर्फ 4 कर सके, डिसिल्वा 21 किए 26 गेंदों के ऊपर, असलांका 19 किए 21 बॉल्स के ऊपर, हसारंगा कोई नहीं 0 के ऊपर, हालांकि हसारंगा ठीक ठाक किस्म का ऑलराउंडर है लेकिन वो कोई नहीं अभी खास चल रहा। एंजेलो मैथ्यूज 16 किए, शनाका 3, उसके बाद जीरोस की लाइन है, ठीक शाना, पथिराना, तुषारा 3 और 0, 124 for 9, 20 overs में। अच्छा बॉलिंग सुनो ज़रा, बांग्लादेश ने बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त किया वैसे। तंजीम 4 overs 24 runs 1 wicket, शकीबुल हसन 3 over 30 run, तस्कीन अहमद 4 overs 25 runs 2 wickets, मुस्तफिजुर रहमान 4 overs 17 runs 3 wickets। फिज नहीं इन विकेटों के ऊपर छोड़ता है, डैलस टाइप की विकेट्स हो गई, न्यूयॉर्क टाइप की विकेट्स हो गई, मुस्तफीज ऐसी विकेट्स के ऊपर सर नहीं खड़ा होने देगा, किसी भी ओपोनेंट को नहीं खड़ा होने देगा। अच्छा रिशद हुसैन 4 overs 22 runs 3 wickets, अच्छा महमूदुल्ला 1 over में 4 run। लो जी, बांग्लादेश ने करना था सिर्फ 125, और इनको कर लेना चाहिए था, मतलब बांग्लादेश के लिए कर लेना चाहिए था से मेरी मुराद ये है कि इनको करना चाहिए था, ये इतना कोई मुश्किल टारगेट नहीं था, मतलब जिस किस्म की डैलस में हमने देखी है ना सेकेंड इनिंग्स, तो रिलेटिवली बांग्लादेश का चांस बेहतरीन बॉलिंग करने के बाद 70% बन गया था। अच्छा अब इनकी अगर हालांकि इनके ना पावर प्ले में 3 आउट हो गए थे, बांग्लादेश ने वो जिसे कहते हैं ना रूल भी साइड कराया, या वो जो एक मिथ बनी हुई है कि पावर प्ले में आपके 3 आउट हो जाए तो आप मैच नहीं जीत सकते, मैंने कहा तुम्हें बताते हैं हम। तंजीद सिर्फ 3 रन आउट, सोमिया सरकार 0 के ऊपर, अच्छा उसके बाद नजमुल हुसैन छांटू 7 रन के ऊपर, ये 3 इनके जल्दी गए। लिटन दास वो खड़ा रहा, 36 उसने किए 38 बॉल्स के ऊपर, 2 चौके 1 छक्का, 94 का स्ट्राइक रेट। जो इनिंग आई है ना बांग्लादेश की तरफ से आई है, वो आई है तोहिद की तरफ से, 40 किए सर 20 बॉल्स के ऊपर, इस विकेट के ऊपर 40-20 बॉल्स के ऊपर 1 चौका 4 छक्के, 200 के स्ट्राइक रेट से अगले ने बैटिंग की है और इसने मैच का पांसा पलटा है तोहिद की बैटिंग ने। आप खुद सोचें यार, डैलस की विकेट के ऊपर 40 मारा है 20 गेंदों के ऊपर, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी उसने इनिंग खेली है। शकीब 8, महमूदुल्ला 16, 13 गेंदों के ऊपर 1 चौका, अच्छा रिशद हुसैन 1, तस्कीन अहमद 0 और तंजीम 1, 125। 12 लास्ट 2 ओवर्स में बांग्लादेश को चाहिए थे
11 रन, तो वो उन्होंने एक ही ओवर में बना लिए, एक ही ओवर में बना लिए सर। और 125 for 8 19 ओवर्स, और बांग्लादेश ने 2 विकेटों से मैच जीता। अगर श्रीलंका की बॉलिंग की बात की जाए, डी सिल्वा 2 ओवरों में 11 रन, तुषारा ने बहुत आला बॉलिंग की थी, 4 ओवर्स 18 रन 4 विकेट्स 4.50 की इकोनॉमी के साथ। ठिकशाना 4 ओवरों में 25 रन, हसारंगा 4 ओवर्स में 32 रन, 4 ओवर्स 32 रन 2 विकेट्स, पथिराना 4 ओवर्स 27 रन 1 विकेट, और शनाका 1 ओवर में 11 रन। श्रीलंका को प्रॉब्लम ये है, एक तो वो पार्टनरशिप्स नहीं लगा सके मेजर, जो मुझे कोई उनकी पार्टनरशिप लग जाती ना एक दो मेजर, तो कम से कम वो 150 तक अगर चले जाते तो मे बी उनका कुछ चांस बन सकता था। अब देखें ना, इनकी पार्टनरशिप्स लगी हैं 21 रन की, 27, 22, 30, कम से कम एक कोई होती ना 40, 50 रन की एक पार्टनरशिप, बाकी ये छोटी छोटी करके हो जाती तो फिर भी कोई इनकी गेम बन जाती, इनकी नहीं बनी। ऑन दी अदर हैंड बांग्लादेश की पार्टनरशिप अब लिटन दास और तोहिद की, वो 63 रन की है 38 बॉल्स के ऊपर, बाकी उनकी भी छोटी छोटी पार्टनरशिप्स हैं, लेकिन एक 50 प्लस पार्टनरशिप है, 50 प्लस पार्टनरशिप बड़ा मैटर करती है, तो ये एक मेजर डिफरेंस था दोनों में। अच्छा, दूसरा बांग्लादेश की बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, उन्होंने डेथ ओवर्स भी बड़े ज़बरदस्त किए हैं, उन्होंने कोई फेंटी नहीं खाई, कोई कुछ नहीं। हालांकि डेथ ओवर्स में होता है ना कि यार मारने का होता है, एज लग गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन उन्होंने बड़ी टू द पॉइंट बॉलिंग की है डेथ ओवर्स में, ये भी एक बड़ा मेजर डिफरेंस था। श्रीलंका की बॉलिंग ठीक थी लेकिन अप टू द मार्क नहीं थी। अब जैसे आपने मैंने आपको बताया कि अगर आप इनकी बॉलिंग इसके देखें ना, बॉलिंग परफॉर्मेंस, उनका जो कप्तान है हसारंगा श्रीलंका का, तो उससे आपको पता चल जाता है कि यार उसको तो कम से कम अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए थी, उसको 8 की इकोनॉमी से रन पड़े हैं, 4 ओवर्स में 32 रन। सर आपने 125 सेव करना है तो आप 8 रन की इकोनॉमी के साथ तो नहीं खा सकते। ये 8 रन की इकोनॉमी वैसे बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन डिपेंड कर रहा होता है ना आप टोटल कितना डिफेंड कर रहे हैं, तो उसमें असर आएगा कि वो अप टू द क्वालिटी में बॉलिंग नहीं कहूँगा, इसको कम रन खाने चाहिए थे। आप फिर 4-5 की इकोनॉमी पर रहते हैं ना, आपने टारगेट भी तो 125 सेव करना है। बट खैर, कूडोज टू बांग्लादेश, ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने मैच जीता है, और उन्होंने श्रीलंका को बताया कि भाई वो राइवलरी कायम है, और उस राइवलरी की लेटेस्ट एपिसोड जो है ना वो हम अपने नाम कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।